कितना इवॉल्व हुई है ये स्पेशलिटी व्हेन इट कम्स टू एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेबिलिटी क्या आइडिया ही नहीं था लोगों को कि ये क्या ट्रीटमेंट्स हैं। जब आप कपल आपके पास आता है, जनरली यंग कपल है, ठीक ठाक है, फिट है, फीलिंग फाइन, साइकोलॉजिकली वो लोग बिल्कुल खत्म हो चुके होते हैं। तकरीबन 30-35% फीमेल प्रॉब्लम, सो दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। बाकी को तकरीबन 15-20% के अंदर दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो बहुत बड़ा ये कोई आपको घबराने की बात नहीं है। अगर 6-7 महीने हो भी गए हैं और कंसीव नहीं कर रहे, उसके बाद मेल पे अगर फोकस करें तो मेल का पहला टेस्ट तो सीमेन एनालिसिस ही है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अगर आप फीमेल साइड पे आते हैं तो फीमेल साइड पे एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसको PCO या पॉलीसिस्टिक ओवरीज कहते हैं, बांझपन या फर्टिलिटी है। उसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है ना वो फीमेल एज का है। अब तो खैर रिसर्च आ गई है कि मेल एज के साथ भी होती है, तो मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता वाली बात गलत हो रही है। अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, एजी हेल्थ पॉइंट के एक और प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर महमूद। खातिन हज़रात, जब हम गायनी की डिजीज़ की बात करते हैं तो एक बीमारी जो सबसे ज़्यादा पॉप अप होती है वो होती है इनफर्टिलिटी की, बे औलादी की, बांझपन की। हम उस सोसाइटी में बसते हैं जहाँ मस्जिद में भी दुआ होती है कि या अल्लाह औलादे नरीना अता फरमा। हम इतना स्टीरियोटाइप करते हैं, औलादे नरीना मतलब लड़का अता फरमा। ऐसी सूरत में बहुत से ख्वातीन के घर इसलिए उजड़ जाते हैं कि उनके घर औलाद नहीं होती, और जिनके घर औलाद होती है उनके घर बेटा नहीं पैदा होता। औलाद ना होने के आम तौर पे जो कसूरवार समझे जाते हैं हमारे यहाँ, जिस जेंडर को हमारे यहाँ कसूरवार समझा जाता है, वो फीमेल होती है। आज हमने एक एक्सपर्ट को अपने साथ दावत दी है बात करने के लिए, और मैं चाहूँगा कि आज हम इस हवाले से बात करें, इनफर्टिलिटी कितना ज़्यादा स्टीरियोटाइप किया जाता है और कितना ज़्यादा इसके अंदर जिसको कहते हैं हकीकत है, और कौन सा जेंडर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मुझे आज ज्वाइन किया है इसके लिए डॉक्टर हारून लतीफ़ खान ने। ही इज़ CEO लाइफ प्राइवेट लिमिटेड एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हमीर लतीफ़ हॉस्पिटल लाहौर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर स्पेयरिंग टाइम। डॉक्टर साहब, आज का जो टॉपिक है वो कुछ अरसा पहले तक इसको आप यूं समझिए 20 साल पहले तक इसको आमतौर पे टैबू समझा जाता था। खातून है, उसके घर बच्चे नहीं होते और उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता था। अब शायद थोड़ा सा अवेयरनेस हुई है, कम हुआ है, लेकिन इश्यू रिमेंस द सेम। पहले तो ये बताइएगा कि ये जनरली जब आप एज डॉक्टर बात करते हैं तो कितनी प्रेवलेंस है सोसाइटी के अंदर इनफर्टिलिटी की। जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इनफर्टिलिटी जो है अब ग्लोबली टर्मिनोलॉजी इन्होंने अब चेंज कर दी है, उसको इनफर्टिलिटी की बजाय सब फर्टिलिटी कर दिया। इन का लफ्ज़ उन्होंने इसलिए हटा दिया क्योंकि इन जो लगता है कि एब्सोल्यूट वर्ड है, बिल्कुल सही, यानी हो ही नहीं पाएगी, बांझपन है कि जी बिल्कुल ये तो हो ही नहीं सकता, क्योरेबल ही नहीं है, बिल्कुल। जबकि अब क्योंकि जदीद टेक्नोलॉजी और इतनी हेल्थ केयर में डेवलपमेंट आ चुकी हुई है कि उसमें मोस्टली पेशेंट्स जो हैं वो इनफर्टाइल नहीं होते, सब फर्टाइल होते हैं और जो ट्रीट हो जाते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं। सो एक तो वो टर्मिनोलॉजी बदल दी गई, उन्होंने इनफर्टिलिटी को सब फर्टिलिटी कर दिया। दूसरा, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि कितने परसेंट लोग फेस करते हैं इसको। सो सब फर्टिलिटी जो है तकरीबन 15-20% को कपल्स होते हैं उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस होती है कंसीव करने के लिए, विच इज़ ए ह्यूज नंबर। आपको पता है कि मिलियंस ऑफ पीपल आर इन द वर्ल्ड, बल्कि बिलियंस में हैं जो फर्टिलिटी एज ग्रुप के अंदर हैं या हु आर ट्राइंग टू कंसीव। उनमें से 15-20% ऐसे, इट्स अ ह्यूज नंबर एक्चुअली, इट्स अ ह्यूज नंबर। बट जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि वो सब ह्यूज नंबर के बावजूद इनमें मोस्ट ऑफ देम कैन बी ट्रीटेड सक्सेसफुली, वो सब फर्टाइल होते हैं, सब फर्टाइल होते हैं। सो जो टैबू की आप बात कर रहे हो, टैबू 20 साल पहले भी था और कुछ हद तक अभी भी है, स्पेशली इन आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और इस सोसाइटी के अंदर, इस कल्चर के अंदर। उसमें मुख्तलिफ रीजंस हैं टैबू होने की, और मोस्टली हमारा सोशल सेटअप है, फैमिली प्रेशर होता है और वो सब चीज़ें होते हैं, और वो ज़्यादातर प्रेशर जो है वो फीमेल पार्टनर के ऊपर ही होता है, मेल के ऊपर उस तरह से प्रेशर नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा, मुझे ये बताइएगा कि जब आप बात करते हैं 15-20%, अब हम एवरेज आउट करते हैं, क्या दोनों इक्वली पॉसिबल है कि रिस्पॉन्सिबल हों?
यानी एवरेज आउट अगर हम करें, या फीमेल पार्ट ज्यादा है या मेल पार्ट ज्यादा है। सो जब इस परसेंटेज को हम फर्दर डायसेक्ट करते हैं कि ये जो 15-20% लोग जिनको प्रॉब्लम आ रही है उनमें मेल इनफर्टिलिटी या सबफर्टिलिटी कितनी है, फीमेल कितनी है, या दोनों किन कपल्स में है, सो देखा गया है कि 30-35% मेल प्रॉब्लम्स होती हैं, तकरीबन 30-35% फीमेल प्रॉब्लम। सो दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल, बिल्कुल इक्वली। तो स्टीरियोटाइपिंग वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली। बाकी को तकरीबन 15-20% के अंदर दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि मेल में भी प्रॉब्लम आ रहा है और फीमेल में भी आ रहा है, और कुछ तकरीबन 15% ऐसे हैं कपल्स जिनमें कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं आती सामने, जिसको हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहते हैं। हमारे जो अपने इधर क्लिनिक्स के स्टैट्स हैं उसमें हमने देखा है कि हमारी 40% प्लस मेल इनफर्टिलिटी है और फीमेल कम आती है। सो 40 प्लस वो है और 30 वो है। सो अगर आप इस सेटअप को देखें, ऑल्दो मैं ये नहीं कह सकता कि ग्लोबली ये फिनोमेना है या वो है, बट एक जनरली हमारा भी काफ़ी बिजी पेशेंट क्लाइंटेल है, तो उसमें मेल इनफर्टिलिटी इज मोर देन फीमेल इनफर्टिलिटी। तो इसको एक इनडायरेक्ट सेंसेस आप कह सकते हैं ना, इट्स अ गुड डेटा। मुझे ये बताइएगा, आपने इनफर्टिलिटी को चूज़ किया, आपके फादर से लेगेसी चल रही है, कितना इवॉल्व हुई है ये स्पेशलिटी व्हेन इट कम्स टू एक्सेप्टेंस? देखिए जी, बहुत फ़र्क पड़े ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि जब हम लोगों ने ये लाइफ क्लिनिक स्टार्ट हुआ 1984 के अंदर, तो तब दुनिया में बहुत चंद IVF सेंटर्स थे, क्योंकि पहला IVF बेबी 1978 में पैदा हुई थी, तो उसके बाद चार पाँच साल के बाद पाकिस्तान में पहला IVF सेंटर खुल गया, जो फर्स्ट सेंटर था इस पूरे रीजन का। तो तब तो एक्सेप्टेबिलिटी का आइडिया ही नहीं था लोगों को कि ये क्या ट्रीटमेंट्स हैं, उसके साथ टैबू भी था और लोगों के बहुत सारे कंसर्न्स भी थे, रिलीजियस कंसर्न्स थे, सोशल कंसर्न्स थे, इकोनॉमिकल कंसर्न्स थे, वो सारे कंसर्न्स थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस बढ़ती गई, उसमें बहुत से डॉक्टर्स ने, हेल्थ प्रोफेशनल्स ने उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया, पेशेंट्स, क्योंकि पेशेंट को तो उसका डॉक्टर ही समझा सकता है कि ये किस तरह से ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं, इनके क्या डिटेल्स हैं, वो सारा। फिर बाकी मीडिया ने एक बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया मैसेज पहुँचाने तक लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को, कि ये ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं और प्रॉपरली किए जाते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम हो उसका कुछ ना कुछ हल सामने होता है। सो ओवर द इयर्स वो जो जितने लोग, कितनी कंसर्न्स थी, ऑब्वियसली उससे बहुत कम होती गई, बट आई थिंक स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। लेकिन यस, देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, क्योंकि अभी भी बहुत से ऐसे एरियाज हैं या बहुत से ऐसे कपल्स आते हैं हमारे पास। अब हर तरह के लोग आते हैं, कुछ कपल हैं जो इतना छुप के आते हैं कि वो घर बताते भी नहीं है कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो ये इंडिकेशन है टैबू की अभी तक? घर पे रोजाना उनसे सवाल हो रहा है कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा, पर जब ट्रीटमेंट के लिए जाना है तो छुप के आना पड़ता है, क्योंकि वो कहते हैं जी आप ये क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ है कि पूरी फैमिली इकट्ठे आती है और आके कहती है हाँ जी, तो ये तो पॉजिटिविटी हो गई। जो सो पॉजिटिविटी इज देयर, बट एट द सेम टाइम जिस तरह आपने कहा कि अभी वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो और कंसर्न्स और टैबूज अभी भी हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आम तौर पे जब आपके पास स्टेप इन होते हैं लोग, इनकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस कितनी होती हैं और कितने लोग होते हैं जो आपको लगता है कि यार होपलेस केस है? देखें, इनफर्टिलिटी या सबफर्टिलिटी की अनफॉर्चुनेट बात मैं इन अ वे कहूंगा वो ये है कि फिजिकली जो है ना, मोस्टली कपल्स आपको बिल्कुल हेल्दी लगते हैं। सो जब आप कपल आपके पास आता है, जनरली यंग कपल है, ठीक ठाक है, फिट है, फीलिंग फाइन, बट हम ये नहीं रियलाइज करते कि उनके ऊपर साइकोलॉजिकल बर्डन कितना है उस चीज़ का। सही है। सो साइकोलॉजिकली वो लोग बिल्कुल ख़त्म हो चुके होते हैं, क्योंकि एक तो हर कपल की, हर इंसान की ख्वाहिश है कि उसका बच्चा या बच्ची हो, सेकेंडली फैमिली प्रेशर है, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। सो इन ये जो डिजीज़ है ये फिजिकल से ज़्यादा साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा इम्पैक्ट, एक तो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब आप एज ए हेल्थ प्रोफेशनल जब आपने डील करना है एक सब फर्टाइल इनफर्टाइल कपल के साथ, बिजी प्रैक्टिशनर्स जनरली अपने क्लिनिक में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देते, 2-3 मिनट देंगे, डिजीज़ आइडेंटिफाई की, मेडिसिन लिख दी, टेस्ट लिख दी और भेज दिया। जब इनफर्टिलिटी का आपके पास पेशेंट आ रहा है, आपको उसको मुकम्मल टाइम देने की ज़रूरत है, क्योंकि
क्योंकि बेशक आपने देख लिया है कि हमने ये रास्ता अपनाना है, बट उनको काउंसलिंग की जरूरत है। मैं यही पूछने लगा था कि शायद ज्यादा टाइम साइकोथेरेपी पे लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग इसके अंदर, क्योंकि और आपने पूछा ट्रीटमेंट की तरफ जब हम आएंगे, बहुत से लोग खाली काउंसलिंग से ही ठीक हो जाते हैं। अच्छा, उनको कुछ हमारी सोसाइटी कल्चर ऐसा है कि ये चीज़ें ओपनली तो डिस्कस होती नहीं है। सो बहुत दफ़ा कपल्स को कन्फ्यूजन्स होती हैं, उनको क्लैरिटी नहीं होती, उनको ओव्यूलेशन डेज का नहीं पता होता, चांसेस कब हैं प्रेगनेंसी के वो नहीं पता होता। वो सब चीज़ें जब आप काउंसिल करते हो, डिस्कस करते हो, पता चलता है 2 माह में 3 माह में विदाउट एनी स्पेशल ट्रीटमेंट उन्होंने। इसका मतलब है दिस इज द वे दे मस्ट बी ट्रीटेड। यू स्टार्ट विद काउंसलिंग एंड गिविंग टाइम टू द पेशेंट, उसके बाद फिर डिपेंडिंग, आप जाहिर है मेल की इन्वेस्टिगेशन, और वही बात कि सबसे पहले मेल को इन्वेस्टिगेट करें। यू स्टार्ट विद मेल, स्टार्ट विद मेल। मेल का सिंपल सा टेस्ट है, सीमन एनालिसिस आपने करवाना होता है, कोई इन्वेसिव नहीं है, कोई कॉस्टली नहीं है, तो यू स्टार्ट विद मेल। अनफॉर्चुनेटली अभी भी हमारे हेल्थ के हेल्थ इसमें डॉक्टर्स के प्रोफेशन में भी फीमेल की बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन हुई हुई हैं, मेल का अभी तक टेस्ट भी नहीं कराया हुआ, विच इज रॉन्ग। सो मेल से, हालांकि आपने बात की कि इन दोनों के जो चांसेस हैं वो इक्वल हैं या कई दफा मेल के शायद थोड़े ज्यादा हैं, बिल्कुल इसके बावजूद नहीं होता। बिल्कुल, और मेल को इन्वेस्टिगेट करना इज फार सिंपलर एज कम्पेयर टू फीमेल। अच्छा, एक ट्रिवियल क्वेश्चन ऐड कीजिएगा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। कि कई दफ़ा देखा ये गया है कि जो एक कपल था उनके बच्चे नहीं हुए, वो उन्होंने डाइवोर्स हो गई या कुछ भी हुआ, एक की दूसरी जगह शादी हुई, दूसरे की भी हो गई, फिर उनकी औलाद हो गई, ये अनएक्सप्लेन्ड है या इसमें भी कुछ आप ऐड करेंगे? देखें, अगर तो दोनों की अनएक्सप्लेन्ड सब फर्टिलिटी थी और बच्चे नहीं हो रहे थे, इसका मतलब टेक्निकली स्पीकिंग दोनों का कोई जनरल प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये उस कैटेगरी में आएंगे, काउंसलिंग वाली कैटेगरी में अनएक्सप्लेन्ड होगा, दे कुड बी के उनका काउंसलिंग की उनको जरूरत है, कोई कंफ्यूजन है, कोई देखें प्रेगनेंसी के साथ साथ रिलेशनशिप का भी होना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अनलेस के आपका हेल्दी रिलैक्स्ड रिलेशनशिप हस्बैंड एंड वाइफ का नहीं होगा, तब तक आगे भी प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगे। कभी कभी होता है कि अनहैप्पी मैरिज होती है फॉर वेरियस रीजन, वट एवर रीजन देर इज, तो ऑब्वियसली फिर आगे प्रेगनेंसी तक बाहर जाना कम हो जाते हैं चांसेस। सो इस तरह के बहुत से केसेस हैं कि फॉर जिस तरह मैंने कहा कि कोई मेडिकल रीजन नहीं है, देर आर नॉन मेडिकल रीजन जिसकी वजह से नहीं हो रहा और बाद में वो सही। अब हम आते हैं इनके डायग्नोस्टिक टूल्स की तरफ। पेशेंट आपके पास आ गए, मेल को कैसे आप डायग्नोस करेंगे? सीमेन टेस्ट के अलावा आप क्या करते हैं, और कोई टेस्ट है? जी, सो सबसे पहले जिस तरह मैंने कहा कि हम हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ को हम टाइम देते हैं, उनकी डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, शादी को कितना अर्सा हो गया। एक बहुत कॉमन सी चीज़ है, कपल आके कहता है कि जी शादी को 6 साल हो गए हैं हमारी, फर्ज करें, कहते हैं अच्छा जी इकट्ठे कितना अर्सा गुजारा है? जी हर साल ये 1 महीने के लिए आते हैं, दुबई में काम करते हैं, सऊदी अरेबिया में काम करते हैं, साल में 1 महीने। तो वैसे तो कहने को 6 साल हो गए हैं शादी को, बट गुजारे उन्होंने 6 साल में 6 महीने इकट्ठे। सो अनलेस कि आप हिस्ट्री प्रॉपर या डिटेल नहीं लेंगे तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। आपके ख्याल से क्या टाइम है जिसके दौरान उनको, उसके बाद उनको कंसर्न होना चाहिए और आना चाहिए, उससे पहले दे मस्ट बी रिलैक्स्ड? बाय द बुक जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि अगर एक कपल 1 साल या 12 महीने से इकट्ठे रह रहा है और वो हर माह प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और कंसीव नहीं होता, तो फिर उनको किसी मेडिकल हेल्प की या असिस्टेंस को सीक करने तो ये 1 ईयर का मिनिमम टाइम है। अगर आप परसेंटेज वाइज, अगर फीमेल एज 35 से कम है, अगर फीमेल एज 35 से ज्यादा है तो वो उसको 1 ईयर की बजाय 6 मंथ्स पे ले आते हैं, क्योंकि फीमेल के लिए एज फैक्टर, जैसे जैसे फीमेल एज बढ़ती है तो चांसेस ऑफ कंसेप्शन। सो अगर 35 प्लस है तो वो कहते हैं कि 6 मंथ्स के बाद सीक कर लें। अगर 35 से कम उम्र है, जो ज्यादातर हमारे तो हाँ बहुत जल्दी शादी होती है, तो कम से कम 1 साल वेट करें। मदर इन लॉ दूसरे महीने ना पूछना शुरू कर दे कि कोई अच्छी खबर आई, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जो आपका टाइम है 12 माह का, 70% कपल्स इन देयर फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज कंसीव कर लेते। सो अगर 10 में से 7 जोड़े तो ऐसे हैं
जिन्होंने नेचुरली कंसीव कर लेना है पहले एक साल के अंदर अंदर। उसके बाद 10% और हैं जो सेकेंड ईयर ऑफ मैरिज में कंसीव कर, मतलब कि आपके 60-70 पहले साल में और 70-80 दूसरे साल में। सो 80% कपल्स ने पहले 2 साल के अंदर नेचुरली कंसीव कर लिया। बिल्कुल सही। सो बहुत बड़ा ये कोई आपको घबराने की बात नहीं है अगर 6 महीने 7 महीने हो भी गए हैं और कंसीव नहीं कर रहे, क्योंकि देयर इज अ 70% चांस कि आप 12 महीने से पहले कर लोगे एंड देन देयर इज अनदर 10% चांस कि आप सेकेंड ईयर में कर लोगे। सो इस तरह से कम अज कम एक साल तो जरूर वेट करें, उसके बाद फिर आप जाके बेसिक इन्वेस्टिगेशन वगैरह अगर करवाना चाहें वो करवाएं और उस बात को आगे लेके चलें। हम आते हैं वापस डायग्नोस्टिक टूल्स पे। हमने देखा कि सबसे पहले हम मेल से स्टार्ट करते हैं और मेल के अंदर आपने कहा कि हिस्ट्री लेते हैं, हिस्ट्री के बाद हम और क्या डायग्नोसिस में क्या ऐड करते हैं? हिस्ट्री ले लेते हैं, हिस्ट्री में वही कॉमन चीज़ें हैं, कोई कोमॉर्बिडिटी, कोई और बीमारियाँ रहना, फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल की हिस्ट्री, ये जो एक बेसिक चीज़ें होती हैं। उसके बाद मेल पे अगर फोकस करें तो मेल का पहला टेस्ट तो सीमन एनालिसिस ही है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, सिंपल टेस्ट है, उसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि एक सर्टन 2-3 दिन का गैप रख के आप सैंपल दें और फिर हम उसको असेस कर लेंगे कि उसके पैरामीटर्स क्या हैं। अगर मेल के सीमन पैरामीटर्स विद इन नॉर्मल रेंज है तो बस फिर मेल की इन्वेस्टिगेशन हम वहाँ से आगे नहीं लेके जाते, अनलेस के मेल को कोई फिजिकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, क्वाइटस के अंदर कोई प्रॉब्लम होता है, उनका वो हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप ठीक तरह नहीं बन रहा, तो वो फिर एक फर्क रास्ता निकल आता है, अदरवाइज वहाँ। सो इसलिए मेल का सबसे पहले करना चाहिए, एक सिंपल सा टेस्ट है, इफ़ द सीमन पैरामीटर्स आर नॉर्मल एक लिमिट तक हैं, फिर हमारा फोकस फीमेल पार्टनर की तरफ हो जाता है और फिर फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेट्स के हिसाब से उनके कुछ हार्मोन्स के टेस्ट करवाते हैं, उनके एग्जामिनेशन होता है, अल्ट्रासाउंड स्कैन होता है और फिर उसके अकॉर्डिंगली सो ऑन एंड सो फोर्थ हम साथ साथ आगे चलते हैं। बिल्कुल सही। अब हम आते हैं इनकी ट्रीटमेंट की तरफ। एक तो आपने कहा कि हम इनको जब हम काउंसिल करते हैं तो बहुत से कपल्स ऐसे हैं ठीक हो जाते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि बहुत से ऐसे होते हैं जिनको फिजिकली वाकई प्रॉब्लम्स होते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं इनफर्टिलिटी में? देखें, इनफर्टिलिटी में जहाँ तक मेल की अगर बात करें तो, और मेल के सब सीमन पैरामीटर्स में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, सीमन पैरामीटर्स में स्पर्म काउंट होता है कि कितनी मकदार है स्पर्म्स की, स्पर्म मोटिलिटी होते हैं कि कितने एक्टिव स्पर्म हैं, और स्पर्म मॉर्फोलॉजी है कि कितने परसेंट नॉर्मल लुकिंग स्पर्म है। ये तीनों पैरामीटर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसमें अगर कुछ हद तक कमी पेशी है, 5-10% का फ़र्क आ रहा है, नॉर्मल रेंज से बाहर है, तो फिर हम सबसे पहले तो सप्लीमेंट से स्टार्ट लेते हैं। उसमें कुछ बेसिक सप्लीमेंट्स हैं जैसे विटामिन ई है, विटामिन सी है, जिंक है, जो कॉमनली यूज़ होते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, पर उनका सीमन पैरामीटर्स पे भी अच्छा इम्पैक्ट होता है। उसके अलावा कुछ और जदीद सप्लीमेंट्स हैं जिसमें एल-कार्निटिन आ जाता है, एंजाइम को एंजाइम Q10 आ जाता है, एल-आर्जिनिन, इस तरह करके सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, अब बहुत रेडिली अवेलेबल हैं फार्मेसीज पे, वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एनी ट्रीटमेंट विच वी गिव टू द मेल वो हम 3-6 मंथ्स के लिए देते हैं, उनको सप्लीमेंट्स दें या कोई स्पेसिफिक मेडिसिन दें, वो 3-6 मंथ्स देने के बाद फिर हम असेस करते हैं कि किस तरह से इन सप्लीमेंट्स का सक्सेस रेट कितना है। इट वेरीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, एवरेज ऑन एन एवरेज। उसकी परसेंटेज तो डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल है जी, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा अगर माइनर वेरिएशन हो तो उनमें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, अगर माइनर वेरिएशन, लेकिन थोड़ा सा एडवांस्ड हो तो। लेकिन अगर प्रॉब्लम ज्यादा है, जिस तरह हमें 15-20 मिलियन काउंट चाहिए और काउंट 1 या 2 मिलियन है, तो फिर वो बहुत कम है, वो फिर शायद सप्लीमेंट मैच नहीं कर पाएगा, कवर नहीं कर सकेगा। इसी तरह मोर्टेलिटी के ऊपर है, अगर आपको 25-30% चाहिए और उधर 15-18% है, तो फिर आप सप्लीमेंट्स दोगे, बट अगर वो 5% या 2% पे मोर्टेलिटी है तो फिर शायद। सो इट डिपेंड्स के बिल्कुल सही है, काउंट कितना है और हमारे रिक्वायर्ड कितना है, गैप कितना है। सप्लीमेंटेशन के साथ फिर आप उसको एनहेंस भी कर सकते हो, कुछ हार्मोनल मेडिसिन भी दे सकते हैं आप मेल्स में, उनकी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कभी कभी होता है कि हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस मेल्स में भी होती है और जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, सो वो भी दिया जा सकता है। अगर वो भी नहीं तो फिर फर्दर आगे जदीद ट्रीटमेंट आ जाते हैं जिसको IVF वगैरह और वो कहते हैं, इस तरह से।
अगर आप फीमेल साइड पे आ जाएं तो फीमेल साइड पे बहुत कॉमन जो चीज़ें हम देखते हैं उसमें से एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसको पीसीओ या पॉलीसिस्टिक ओवरीज कहते हैं। फॉर सम रीज़न पिन पॉइंट तो नहीं कर सकते क्यों, बट अभी बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज फीमेल्स में वो देखा जा रहा है, इवन 30-40% फीमेल्स में ये देखें। फीमेल इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी की मुख्तलिफ वजूहात हैं, फीमेल या मेल भी हो, उसके अंदर आपकी लाइफ स्टाइल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, क्या आप एक्सरसाइज करते हैं नहीं करते, आप डाइट किस किस्म की लेते हैं, आप स्मोकिंग या कोई और ऐसी हैबिट तो नहीं है आपकी, ये सारी चीज़ें नुकसान पहुंचाती हैं। जनरली अगर आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल हो, आप अच्छी डाइट का इस्तेमाल करें, आप ये जंक फूड और फ्राइड चीज़ें और इस तरह की चीज़ें अवॉइड करें, आप ग्रीन वेजिटेबल्स फ्रूट्स और बाकी जो हेल्दी डाइट होती वो है जो स्टैंडर्डाइज्ड आपकी बैलेंस डाइट है वो यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है, बिल्कुल होती है। बिल्कुल, और इसका दूसरा एंगल भी है, अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो फिर आपको वो सारी विटामिन और ये चीजें लेने की भी बिल्कुल जरूरत सही नहीं है, क्योंकि वो सारे न्यूट्रिएंट्स पूरे हो रहे हैं, बिल्कुल ही करते हैं। सो वो भी गलत है कि जी एक अच्छी बैकग्राउंड का पर्सन जिसका खाना पीना हेल्दी है सब कुछ है वो ऊपर अगर विटामिंस भी खा रहा है तो उसका विटामिन खाने का कोई जरूरत बेनिफिट नहीं है, नहीं होता, नहीं होता। सो एब्सोल्युटली लाइफस्टाइल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, जिसके अंदर ये अभी विंटर्स फिर आएगा तो स्मॉग का जो एक इम्पैक्ट होता है, इस तरह की जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं कुछ अवॉइड किए जा सकते हैं, जाहिर है कुछ नहीं किए जा सकते, इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट होता है आपके सारे बॉडी के सिस्टम्स में इंक्लूडिंग योर फर्टिलिटी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी इस प्रैक्टिस के दौरान बिफोर वी सी के IVF क्या है और कौन कौन से हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, कितने केसेस आज तक आपने, कितने परसेंट केसेस होपलेस देखे हैं, यानी आपको पता था कि नहीं हो सकेगा या अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म नहीं था नहीं हो सका? ये मैं इसलिए ऑडियंस के लिए पूछ रहा हूँ कि हमारे लिए वो 100% होपलेस होता है, आप बताइए। देखें उसमें ऐसा है के जो बांझपन या फर्टिलिटी है उसमें एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है ना वो फीमेल एज का है। ये चीज़ हमने बड़ा इम्पॉर्टेंट है हमारे डॉक्टर्स भाइयों के लिए और बहनों के लिए भी और ऑडियंस के लिए भी बाकी, क्योंकि फीमेल एज जो है उसके साथ साथ आपकी फर्टिलिटी रिड्यूस होती रहती है। ठीक है, अब तो खैर रिसर्च आ गई है कि मेल एज के साथ भी होती है, तो मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता वाली बात गलत हो रही है, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली फीमेल के लिए उसमें अगर फीमेल की एज 35 क्रॉस करे तो चांस कम होता जाता है, 37-38 के बाद और कम हो जाता है, और 40 एज के बाद ड्रास्टिकली चांसेस कम हो जाते हैं। सो मोस्टली प्रैक्टिस के अंदर जो ऐसे केसेस आते हैं जिनमें हम देख के लगता है कि बहुत कम चांस होगा कि कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल हो, अगर करें तो सक्सेस बहुत लो होगी इनके अंदर, या एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो टाइम गुजर चुका होता है, वो ज़्यादातर एज फैक्टर की वजह से। बिल्कुल सही, ये बताइएगा कि हमारे यहाँ मीनोपॉज की जो एक एवरेज एज है वो 48-50 है, तो बाकी कौन सी चीज़ें हैं, डिफरेंट हार्मोन्स जो हैं वो उस वक्त कम ज़्यादा हो रहे थे इस वजह से, ये आप बीच का जो पैच बता रहे हैं इसमें चांसेस बहुत कम हो जाते हैं? देखें हम लोग जनरली मेनोपॉज को कंसिडर करते हैं कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो गया, खत्म हो गया। बिल्कुल सही, हाँ। बहुत से केसेस में ऐसे होता है कि साइकिल आ रहा होता है लेकिन ओव्यूलेशन खत्म हो जाती है, यानी कि एग बनना दिस इज बंद हो जाते हैं। सो इवन पेशेंट फील्स कि जी मेरा साइकिल तो ठीक चल रहा है, पर जब आप उनके हॉर्मोन्स के टेस्ट कराते हैं, FSH है, AMH टेस्ट कराते हैं, उनका अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं, तो पता लगता है कि उनके लेवल्स FSH के इतने हाई हैं कि ओवेरियन फंक्शन जो है ना उनका बहुत रिड्यूस हो चुका है या ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। सो अगर उनका साइकिल किसी वजह से आ भी रहा है या मेडिसिन देते हैं तो पीरियड्स आ भी जाते हैं, दैट डज नॉट मीन कि उनके वो फर्टाइल है, बिल्कुल बन रहे हैं, और एग्ज बनना अगर बंद हो जाए तो फिर वी रियली कांट डू एनीथिंग। सो वो है, और सेकेंडली अगर तो कोई फर्टाइल औरत है उनके बच्चे हैं तो उनमें देखा है कि हाँ 40s में भी वो कंसीव कर लेती हैं और हो जाता है, उनका एक साइकिल चल रहा होता है। जिसकी सब फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी चल रही है, औलाद ही कभी नहीं हुई, उनमें देखा है कि ये हार्मोनल चेंजेस
मे बी दिस इसी वजह से नहीं हो रही, वो अर्ली भी आना शुरू हो जाती है तो शायद फिर वो 47-48 अच्छा तक डॉक्टर साहब, वेट नहीं अगर कर सकते हैं। ऑडियंस के लिए हम इन वीवो फर्टिलाइजेशन को आसान कर दें और उनको बता दें कि ये कितना जिसको कहते हैं इफेक्टिव है, तो आप कैसे इसे एक्सप्लेन करेंगे और इसकी डिफरेंट टाइप्स पे आप कैसे बताएंगे कौन सी बेहतर है, क्योंकि कन्वेंशनल जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत इवॉल्व होकर बहुत एडवांस्ड किस्म की आ गई हैं ऑप्शंस। आप बिल्कुल क्या कहते हैं इसके बिल्कुल, बारे में? इसमें जी जो तीन मेन ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, इसको एआरटी कहते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, उनमें सबसे पहले आईवीएफ आया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आईवीएफ सिंपल ट्रीटमेंट है कंपैरेटिवली, उसके अंदर होता ये है कि सबसे कॉमनली वो यूज़ किया जाता है उन पेशेंट्स में जिनके मेल का कोई प्रॉब्लम ना हो, मेल ठीक हो बिल्कुल, फीमेल के अंदर या तो उनकी ट्यूब्स में ब्लॉकेज हो या किसी वजह से एग का कोई ऐसा प्रॉब्लम हो कि वो स्पर्म और एग आपस में फर्टिलाइज नहीं हो रहे, तो उसमें हम फीमेल की ओवरी से एग पिक करके हस्बैंड के स्पर्म्स लेके उनको लैब में इकट्ठे रख देते हैं कि वो जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस या बीज बनने का प्रोसेस है वो लैब में हो जाए, और फिर जब वो बीज बन जाए तो उसको वापस यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। बिल्कुल इस प्रोसेस को लैब में फर्टिलाइजेशन वाले प्रोसेस को आईवीएफ कहा सही, जाता है। बिल्कुल सही। ये तकरीबन 1.5 से 2 माह का एक ट्रीटमेंट साइकिल होता है जिसमें कोई ऑपरेशन एंड नहीं इट इज वन ऑफ द कोई। आठ टाइप जी, ये एआरटी का एक सबसे टाइप बेसिक वो है जिसको इस आईवीएफ कहा जाता है। ओके आईवीएफ बहुत अरसा चला, उसके बाद आईवीएफ इवॉल्व हो गया इनटू नेक्स्ट स्टेप जिसको इक्सी कहा जाता है, ICSI, उसका पूरा नाम है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये उन लोगों के लिए है, इसमें भी मुख्तलिफ इंडिकेशंस हैं बट एक कॉमन इंडिकेशन ये है जिसमें मेल प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। देखो सही। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें अगर सीमन पैरामीटर्स वीक हैं तो इस ट्रीटमेंट में हम जिस तरह आईवीएफ में करते हैं उसी तरह एग्स पिक किए, हस्बैंड का स्पर्म लिया और एक एक स्पर्म को एक एक एग में हमने खुद इंजेक्ट कर दिया, खुद फर्टिलाइज कर दिया एग को। सो वो अमल जो कुदरती स्पर्म्स की कुव्वत कम थी नहीं हो पा रहा या एग का कोई प्रॉब्लम था नहीं हो पा रहा, वो हमने अंडर माइक्रोस्कोप उनको बीज बना दिया और वो फिर बीज लेके उसी तरह जिस तरह हम आईवीएफ में ट्रांसफर कर देते हैं यूट्रस फीमेल की में यूट्रस में एम्बेड कर दिया आपने, इम्बेड बिल्कुल कर दिया। सही है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि चाहे आईवीएफ हो चाहे इक्सी हो, ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट सेम है, कोई सर्जरी नहीं, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं, प्लस प्रेगनेंसी यूट्रस में ही होती है, बिल्कुल सही है। कंसेप्शन वहीं होगी, और वंस द पेशेंट कंसीव्स इट्स लाइक एनी अदर नॉर्मल प्रेगनेंसी, उसमें कोई इसका लैब में ऐसा कितना नहीं। टाइम होता है रहने का? सो लैब के अंदर जी मैक्सिमम टाइम जो है वो 5 to 6 days का है। सो 5-6 दिन के अंदर अंदर या तो बीज बना के एम्ब्रियो बना के ट्रांसफर करते हैं या उस एम्ब्रियो को फ्रीज कर लेते हैं हम ताकि उनको हम नेक्स्ट साइकिल में या बाद में कभी यूज कर सकते हैं। लैब में हम टेस्ट ट्यूब के अंदर बेबी ग्रो नहीं कर सकते जो कि बिल्कुल ट्रू मिसकंसेप्शन ट्रू, है। बिल्कुल ठीक सही है, है। अच्छा सो ये तो बेसिक आईवीएफ इक्सी ट्रीटमेंट्स हैं जो कि प्रोवाइड किए जाते हैं चाहे मेल इनफर्टिलिटी हो चाहे फीमेल हो, और उन केसेस में जिनमें बाकी कन्वेंशनल बेसिक ट्रीटमेंट से बात नहीं बन रही। इससे अब एक स्टेप आगे अच्छा, आते इसमें हैं। मेल इनफर्टिलिटी में कैसे ये काम करता है? जब आप ये देखते हैं कि आपको काउंट चाहिए और काउंट बहुत कम है, इवन आप आईवीएफ में भी अगर उनको मैच करते हैं तो आप खुद ही तो कह रहे हैं कि वो डेड होते हैं या उनमें से पिक करते हैं आप सो लाइव को, आईवीएफ में तो मेल सैंपल नॉर्मल है तब आईवीएफ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बिकॉज आईसीएसआई में हमें सिर्फ उतने ही स्पर्म्स चाहिए, 5-6 स्पर्म्स जितने हमें एग्स मिले हैं, और वो एक एक स्पर्म हम माइक्रोस्कोप के नीचे पिक करके ऑल राइट एग ठीक के है, अंदर खुद इंजेक्ट कर लेते इंजेक्ट हैं। कर देंगे, बिल्कुल सही है। तो ये सो वही वो होंगे जो लाइव भी अगर होंगे, क्वालिटी भी हाँ बेहतर होगी। अब वो इसी तरह है कि स्पर्म में हरकत नहीं है, स्पर्म अलाइव है बट यहां से उठ के वो दरवाजे तक नहीं जा सकता, ठीक तो है, हमने उसको उसकी डेस्टिनेशन पे माइक्रोस्कोप के अंदर पहुंचा दिया। एक बिल्कुल दफा वो एग में पहुंच गया तो वो एक्टिवेट हो जाता है और वो फिर एग डिवाइड होना शुरू कर देता है और बाकी। दैट्स ग्रेट ठीक है। सो आईवीएफ इक्सी बेसिक, उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप जो है जो हम भी ऑफर करते हैं और भी जगहों पे, उसको कहते हैं पीजीटी, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेक्निक्स। वो उन लोगों के लिए है बेसिकली जिनमें कोई जेनेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं, खुदा न खास्ता किसी का फैमिली में कोई ऐसी
जेनेटिक, जिस तरह डाउन सिंड्रोम आपने देखा, मंगोल बच्चे होते हैं, और बहुत से देयर आर थाउजेंड्स ऑफ अदर जेनेटिक डिजीजेज। थैलेसीमिया इज़ वन ऑफ देम, आपको पता है कि वो होता है, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, बच्चों के पट्ठों में कमज़ोरी होती है, ये सारी चीज़ें। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है, किसी का अफेक्टेड भाई बहन है, किसी का अफेक्टेड खुदा न खास्ता एक बच्चा है और वो अपना आगे फैमिली प्लान करना चाहते हैं, तो इन सब केसेस के अंदर इन कपल्स को ये PGT करवानी चाहिए, जरूरी है, बिल्कुल सही है। क्योंकि PGT में क्या करते हैं कि वही IVF ICSI के जरिए हमने एग फर्टिलाइज किया, जब एग फर्टिलाइज हो गया तो उसको फिर हम जेनेटिकली चेक कर लेते हैं कि क्या ये हेल्दी एग है या अफेक्टेड एग है। ओके, क्या इस एग, ये जो एम्ब्रियो बना है, इस एम्ब्रियो में डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई और क्रोमोसोमल। हाउ लॉन्ग इट टेक्स, आई मीन ये तो 7 दिनों के लिए या 6-7 दिनों के लिए आपने रखा था, लेकिन जब आप जेनेटिकली उसको चेक करेंगे तो वो क्या इमीडिएटली तो नहीं होगा? बिल्कुल वही होगा कि हम उनको 3rd day, 4th day पे जाके या 5th day पे जाके उनसे हम एक सेल ले लेते हैं और उनको फ्रीज कर देते हैं। फिर उस सेल को हम रन करते हैं कि हमारे जेनेटिक उसका मेकअप हमारे पास आ जाए, कि क्या उसका रिजल्ट है। हमें पता लग जाता है कि ये 10 एम्ब्रियोज थे, इनमें से ये 5-6 एम्ब्रियोज हेल्दी हैं, ये 4 एम्ब्रियोज अफेक्टेड हैं। तो फिर जब हम वापस यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे, हम सिर्फ हेल्दी वाले करेंगे, तो वो जो कैरी कर रहा था जेनेटिक डिसऑर्डर्स वो आपके मिनिमाइज हो जाएंगे। हाँ, हम ऑर्डर को, डिसऑर्डर को खत्म नहीं कर रहे, हम सिर्फ स्क्रीन आउट कर रहे। ट्रू ट्रू। और वो जब ट्रांसफर करते हैं तो इन मोस्टली केसेस दीज आर 99% एक्यूरेट, उसमें रिस्क ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर फिर नहीं रहता। जब प्रेगनेंसी इंशाल्लाह होती है तो हेल्दी बेबी होता है। बिल्कुल। इस प्रोसेस का एक और एडवांटेज है कि आप जेंडर ऑफ द एम्ब्रियो भी बता सकते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही है कि आप डिसाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं, बिल्कुल सही। सो वही वाली बात कि हम मेल या फीमेल एम्ब्रियो बना नहीं सकते, हम क्योंकि हम उसकी जेनेटिक एनालिसिस कर रहे हैं, उसका हम इन अ वे DNA टेस्ट कर रहे हैं, तो हमें पता लग जाता है कि इन 10 में से ये 4 मेल एम्ब्रियोज हैं, ये 3 फीमेल एम्ब्रियोज हैं, ये 3-4 एब्नॉर्मल हैं, जो भी मेकअप हो, वो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, सही है। सो उससे फिर हमें, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें मेल कौन से हैं और फीमेल कौन से हैं। हमारे क्या पेशेंट ऐसी को विश आपको बताते भी हैं? सो इसके ऊपर ये जो फैमिली बैलेंसिंग इसको कहते हैं या जेंडर सिलेक्शन कह लें, इसकी बहुत से कपल्स हैं जो आते हैं हमारे पास अपनी फैमिली कंप्लीट करने के लिए। ओके, ठीक है। अब अच्छी बात यह है कि इस्लामी ममालिक में इस चीज़ की शरी लिहाज से बिल्कुल इजाज़त दी गई है, इसके ऊपर फतवा भी है इंटरनेशनल, और प्लस इस्लामिक आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का भी कि यू कैन हैव योर ओन चॉइस। सो बेसिकली फतवा जो है वो ये कहता है कि अगर एक मैरिड कपल है, उसके बच्चे बेटे या बेटियाँ हैं और वो अपनी फैमिली कंप्लीट करना चाहते, तो वो PGT या जेंडर सिलेक्शन या फैमिली बैलेंसिंग के जरिए अपनी फैमिली कंप्लीट कर सकते हैं। नॉट फॉर योर फर्स्ट चाइल्ड, ये नहीं कि आप पहले ही बचाओ कि जी मुझे मेरे लिए, आप बेटे के लिए इलाज कर दें या वो कर दें, उसमें है कि आपके ऑलरेडी बेटा या बेटियां हैं और आप चाहते हैं कि जी बैलेंस हो जाए, कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे माशरे में एक, आपने शुरू में बात की कि औलाद नरीना की ख्वाहिश भी की जाती है और है, इस तरह से है। सो वो उसको देखते हुए ऑब्वियसली इस्लामिक स्कॉलर्स ने इसको, बल्कि रोक्सा मैं जस्ट इसमें ऐड करूंगा, बेटे के चक्कर में वो इतनी बच्चियां हो जाती हैं कि फीमेल की अपनी लाइफ रिस्क पे हो जाती है। जी, ये जो ट्रीटमेंट है, मैं तो इसको इस तरह से देखता हूँ कि ये ना सिर्फ मैरिज सेविंग है, एक तो आपको पता है होता है कि जी 3 बच्चियां पैदा होगी और घर से निकाल दिया, हस्बैंड ने या तो घर से निकाल दिया या सेकंड मैरिज कर दी, ऑल्दो स्पर्म से डिसाइड होता है, बिल्कुल सही है, उसमें फीमेल का एग ने क्या करना है। और सेकंडली बिल्कुल ऐसे भी होता है कि जी वो डिवोर्सेज हो जाती हैं, ट्रीटमेंट बुरा हो जाता है क्योंकि बेटा नहीं पैदा हो रहा, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है फीमेल के ऊपर, फिर मल्टीपल प्रेगनेंसीज की अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, मदर को रिस्क होता है जब उसके 3-4 ऑपरेशन हो गए हैं, 5 बच्चे पैदा हो गए हैं और वो बेटे की कोशिश जारी है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए बेहतर ये है कि अगर आपकी ख्वाहिश है
और आप समझते हैं कि आप फैमिली कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप बेहतर है कि ये रूट लें, ना कि कोई और ऐसी बजाय एक्सट्रीम पे करें, जाने के आपके एक्सट्रीम पे पास जाने के ऑप्शन है लिए जेंडर सिलेक्शन का थ्रू ट्रीटमेंट। थ्रू ट्रीटमेंट। बिल्कुल सही। तो डॉक्टर साहब, इन दी एंड अगर आप ऑडियंस को आज की जो डिस्कशन थी इनफर्टिलिटी के हवाले से उसके बारे में कोई मैसेज देना चाहें तो इट इज़ ओवर टू यू। जी, मेरा सिंपल मैसेज ये है कि पहली बात तो ये है कि जिस तरह इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी इज ट्रीटेबल, ये चीज़ सबको रियलाइज़ करनी चाहिए। और इसमें टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप टाइम बहुत डिले कर देंगे, वो वक्त गुजर जाएगा स्पेशली फीमेल पार्टनर के लिए, तो फिर ये जितने भी जदीद ट्रीटमेंट्स हैं शायद इनसे मदद ना हो सके। पर अगर आप इन टाइम ट्रीटमेंट सीख कर लेंगे तो बहुत कम ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका हल नहीं है। अदरवाइज मोस्टली कपल्स के लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है। सो ये आपको ऐसा इशू नहीं रह गया। बहुत सी इसमें डेवलपमेंट हो चुकी है और हो भी रही है, और वो सारी जदीद जो ट्रीटमेंट्स हैं वो हमारे पास इधर, हम लकी हैं कि पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। आपको इन ट्रीटमेंट्स के लिए कहीं बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप अगर डॉक्टर्स हजरात हैं उनके लिए, वो अपने पेशेंट्स को एजुकेट करें, और जो बाकी दोस्त हैं वो अपने बाकी दोस्तों को एजुकेट करें कि ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल, मोस्टली कपल्स कैन बी हेल्प, और ये सब चीज़ें बड़े बेहतर तरीके से डील की जा सकती हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत एलेबोरेटिव और बहुत ही जिसको कहते हैं आई ओपनिंग आपकी डिस्कशन थी। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग टाइम। ख्वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम के दो टेक होम मैसेजेस हैं। एक तो ये है कि प्लीज़ खाली ख्वातीन को मरूदे इल्ज़ाम ना ठहराएं अगर कोई इनफर्टिलिटी का केस आता है, बांझपन का या बेऔलादी का। दोनों पार्टनर्स का इक्वल रोल होता है। नंबर टू ये है कि ये ऐसी डिजीज़ है जो टाइम बाउंड है, यानी एज से रिलेटेड है। खुदा रहा अगर किसी को 1 साल, 2 साल, 3 साल हो गए हैं उसकी शादी को, तो बजाय परेशान होने के या लड़ने के, आपके पास ऑप्शंस हैं इस वक्त अवेलेबल जिनके थ्रू आप अपने आप को ट्रीट करवा सकते हैं। और वो ऑप्शंस आपकी काउंसलिंग से स्टार्ट होकर डिजीज़ पे और प्रोसीजर्स पे ख़त्म होते हैं। तो प्लीज़ आप इन ऑप्शंस को ऑप्ट करें बजाय इसके कि आप बैठ के अपनी ज़िंदगियों को ख़राब करें। अगले हफ्ते आपसे एक नए प्रोग्राम के साथ एक नए टॉपिक पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।